जब इस व्यक्ति ने जो 35,000 करोड़ का घोटालेबाज है जनार्दन रेड्डी भाजपा में शामिल होते ही कहा कि मैं अपनी जड़ों की ओर लौट आया हूं, अब आप खुद समझ लीजिए कि इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ कहां है और कौन है। हम नहीं बोल रहे, ये घोटालेबाज बोल रहा है कि साहब मैं अपनी जड़ों में लौट कर आ गया हूं। इतिहास तो मैंने आपको बताया ही, लेकिन कारण भी समझ लेते हैं कि ये क्या मजबूरी रही है कि ऐसे व्यक्ति को जो कि कुख्यात है उसको क्यों शामिल करवाया गया। आपने देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे पर बैन लगाया, उसको गैर संवैधानिक करार किया, उसको गैर कानूनी करार कर दिया। तो अब यह है भाजपा का प्लान बी, दिस इज द प्लान बी ऑफ बीजेपी आफ्टर द इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। व्हाट इज द प्लान बी? द प्लान बी इज कि अब सीधा पार्टनरशिप, ऐसे व्यक्तियों को साथ में ले लो जिनसे पैसे लेने हैं, जिनसे पैसे लिए हैं, कोई पर्दादारी मत रखो बीच में, बिल्कुल साथ में मिला दीजिए, खाएंगे खिलाएंगे और उसके बाद पाचन शक्ति इतनी मजबूत कि वो बंगाल हो, कर्नाटक हो, कहीं के भी घोटालेबाज हो, सब कुछ बचा लिया जाएगा, उन सबको बचा लिया जाएगा। यह कारण है कि ये इस तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। बेल्लारी बंधु, आप पत्रकार हैं, पिछले 2-2.5 दशक से ये नाम आप सुन रहे हैं। हम राजनीति के छात्र हैं, हम भी पिछले 3 दशक से ये नाम सुन रहे हैं। बेल्लारी बंधुओं के नाम से ये कुख्यात गैंग है, ये भाजपा का बड़ा पुराना साथी है। 1998 में, मैं थोड़ा सा इतिहास के उस दौर में आपको ले जाना चाहता हूं। 1998 में जब स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने माननीय सोनिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तब सुषमा स्वराज जी के चुनाव प्रचार की तमाम जिम्मेदारी इन बेल्लारी बंधुओं के ने संभाल ली थी। और 98 के उस चुनाव के बाद भाजपा ने इन्हें संभाल लिया। यह इनका रिश्ता है भाजपा से, बेल्लारी बंधुओं का। जो पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी और इनकी जुगलबंदी बड़ी मशहूर है, बेल्लारी बंधुओं की येदियुरप्पा जी के साथ एक जुगलबंदी है, आपने सुनी होगी कई बार। इस जुगलबंदी के चलते आयरन ओर के अवैध खनन और निर्यात की एक ऐसी लूट मची कि पूरे भारत में येड्डी और रेड्डी नाम का एक ये जोड़ी थी जो बड़ी प्रख्यात हुई, बड़ी मशहूर हुई, येड्डी रेड्डी गैंग, ऐसी बातें होती थी। इसमें येदियुरप्पा जी को जेल भी जाना पड़ा, लीपापोती के लिए भाजपा ने उनका इस्तीफा भी लिया। आप सब इस इतिहास से वाकिफ हैं, आपने इन सब पे रिपोर्टिंग की हुई है। और 2011 और 2017 के बीच इनकी कई बार गिरफ्तारी भी हुई। अब जब ये वापस से भाजपा में शामिल हो गए हैं तो सीबीआई अब इनको ऐसी क्लीन चिट देगी कि उजाला की सफेदी भी इनके सामने फीकी पड़ जाएगी, ये इतना चमकेंगे अब देखना आप। एक के बाद एक देश भर में 35,000, 70,000, 80,000 करोड़ के घोटालेबाज या कथित आरोपी, जो भी आप कहना चाहें, मोदी जी और भाजपा का वो दामन थाम लेते हैं और साफ हो जाते हैं। ये फिर हो रहा है, इतिहास फिर दोहरा रहा है, हर हफ्ते दोहराता है, हर महीने दोहराता है इतिहास ये वाला।